हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें बच्चे की, लास्ट क्लास में हमने आपको रॉयल्टी क्या है वो बताया था, रॉयल्टी के फॉर्मेट बताए थे रॉयल्टी अकाउंट का, और साथ साथ हमने आपको बताया था कि रॉयल्टी अकाउंट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे एनालिटिकल टेबल वाले, और यह प्रॉमिस भी किए थे कि नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाने आएंगे तो आपको जर्नल भी पूरा बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इम्पॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों यार? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, एनालिटिकल टेबल भी बताएंगे, जर्नल भी बताएंगे, लेजर भी सॉल्व करेंगे बना करके, तो इम्पोर्टेंट है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक कोलियरी कंपनी टूक अ लीज ऑफ अ कोल फाइल्ड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2010। भाई कोई कोलियरी कंपनी है, 25 साल लीज लिया है और 1 जनवरी 2010 से चालू कर रहा है, यही ना। तो यहाँ पे इसका रॉयल्टी है 25 पैसा पर टन, रॉयल्टी का अमाउंट, और बोल रहा है कि डिड रेंट। डिड रेंट मतलब मिनिमम रेंट। क्वेश्चन में यार लाइन का बस बात है, कुछ क्वेश्चन में डिड रेंट बोलेगा, कुछ क्वेश्चन में मिनिमम रेंट बोलेगा, मतलब सेम। और कह रहा है यहाँ पे कि शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड जो है वो फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज। हम बताए थे कि देखिए शॉर्ट वर्किंग के बारे में यह है कि आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड हर एक क्वेश्चन में अलग अलग बोलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 ईयर बोला है ना, मतलब 3 साल तक रिकूप होगा, उसके बाद रिकूप होने का कोई चांसेस नहीं है। आगे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आउटपुट दिया हुआ है, प्रोडक्शन है ना 10 में 11 में 12 13 14, और यह आपका बाकी तो बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, 3 ए पहले फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले फॉर्मेट बताते हैं बच्चे, का बोले थे कि देखिए हम लोग बनाएंगे कितना कॉलम वाला क्वेश्चन। सर जी हम लोग बनाएंगे 9 कॉलम वाला क्वेश्चन, 9 कॉलम रहेगा हमको। तो यहाँ पे पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम आउटपुट, तीसरा कॉलम रॉयल्टी, चौथा कॉलम मिनिमम रेंट, पांचवा कॉलम आपका शॉर्ट वर्किंग, छठा कॉलम एक्सेस वर्किंग, सातवां कॉलम शॉर्ट वर्किंग रिकूपटेड, आठवां कॉलम पेड, और नौवां कॉलम आपका अनरिकूपटेड शॉर्ट वर्किंग। क्या क्या था सर? पहले था ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी पर टन, ठीक है, और फिर आपका मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकूपटेड, फिर पेड, फिर अनरिकूपटेड शॉर्ट वर्किंग, है ना क्वेश्चन। जैसे जैसे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 10 11 12 13, 4 साल दिख रहा है ना, तो 2010, 2011, 2012 और 2013, है ना, दिया हुआ, क्लियर। अब यहाँ पे 3 वाले क्वेश्चन में आपका आउटपुट क्या दिया हुआ, 6011 सॉरी 2014 तक है, 12 10 11 12 13 14, 2014 तक था, ठीक है। अब यहाँ पे 6000 है पहला आउटपुट, दूसरा में आउटपुट है आपका 11000 का, तीसरा में आउटपुट है आपका 15000 का, चौथा में आउटपुट है आपका 9000 का, और पांचवा में है आपका आउटपुट गिवेन 12000 का। देख रहे हैं जैसे जैसे दिया हुआ है ना, और एकदम वैसे वैसे लिखेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना है, एकदम सिमिलर चलना है, क्वेश्चन में गिवेन है इंफॉर्मेशन पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रॉयल्टी क्या बोला, 25 पैसा पर टन, 25 पैसा पर टन, तो यहाँ पे 1500 4 से डिवाइड करते चलेंगे, यहाँ देखो 11000 भागा 4 कीजिए, यहाँ 11000 का 2750 आ जाएगा, 15000 का आ जाएगा 3750, 9000 का आ जाएगा 2250, और 12000 का आ जाएगा 3000।
क्लियर, 25 पैसे था। मिनिमम रेंट आपके क्वेश्चन में ना चिल्ला चिल्ला के देगा, क्या बोल रहा है, डिड रेंट 2500 बोल रहा है ना, तो हम भी यहाँ पे मिनिमम रेंट लिख देंगे 2500, 2500, 2500 और 2500 और 2500 होगा ना बच्चा। अब आगे क्या बोला कि शॉर्ट वर्किंग जो रिक्रूटेड है वह फर्स्ट 3 ईयर तक रहेगा, क्या बोल रहा है, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड फर्स्ट 3 ईयर, यहां तक ही क्वेश्चन अब हमको सॉल्व करना। चलिए ध्यान दीजिए, शॉर्ट वर्किंग जब आपका रॉयल्टी कम रहेगा तो शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी कम रहेगा मिनिमम रेंट से, तो यहां पे 1000 का शॉर्ट वर्किंग, यहां देखिए मिनिमम रेंट है आपका 2500 और रॉयल्टी 2750, तो एक्सेस वर्किंग हो गया 250 का। यहां देखिए 1250 का एक्सेस वर्किंग आपका हो गया, यहां देखिएगा यहां आपका रॉयल्टी 2250 है ना, और मिनिमम रेंट 2500 है, तो यहां भी आपका शॉर्ट वर्किंग हो रहा है 250 का, और यहां आपका एक्सेस वर्किंग हो गया 500 का। देख रहे हैं बच्चे एकदम स्लोली समझ के, कब होगा शॉर्ट वर्किंग? सर आप यह बताएं कि जब रॉयल्टी का अमाउंट कम हो जाएगा मिनिमम रेंट के कंपैरिजन में तो हमारा शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा तो एक्सेस वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड वाले में फर्स्ट 3 ईयर बोला, कितना बोला है सर, फर्स्ट 3 ईयर तक ही रिकूप करेगा, पहला 3 साल तक ही, तो 1000 वाले में से 250 मैनेज कर देंगे, क्लियर। और फिर यहाँ पे 750 का रह गया, तो 750 का यह यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, क्लियर। और 3 साल में यह शॉर्ट वर्किंग तो मैनेज हो गया, 3 साल तक हमको मैनेज करने का टाइम दिया, और इस ड्यूरेशन में 1000 का शॉर्ट वर्किंग मैनेज हो पाया। लेकिन फिर 4th ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग हो गया 250 का, या 250 तो मैनेज करने का टाइम नहीं हमारे पास में, क्यों सर जी, यह बोला था कि 3 साल तक अगर होगा शॉर्ट वर्किंग तभी मैनेज करने देंगे, उसके बाद हो गया तो मैनेज करने का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे 250 का जो हो गया शॉर्ट वर्किंग मैनेज नहीं होगा, और वह इसी साल अनरिकुप्टेड शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा 250, हमने वहां डाल दिया। पेड वाले कॉलम में क्या बताए थे कि रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेंट के अमाउंट में जो ज्यादा रहेगा वही पेड वाला कॉलम में जाता है, तो 1500 या 2500, सर जी 2500 जाएगा, क्लियर। 2750 या फिर 2500, 2750, बट SWR में अगर कुछ रहेगा तो उसको माइनस करने के बाद पेड करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा कितना 2500। यहां देखिए 3750 या फिर 2500, 3750 जाएगा सर, बट 750 माइनस करने के बाद यहां जाएगा 3000, क्लियर। यहां 2250 या 2500 सर, 2500 ज्यादा है तो वो वाला लेगा, यहां कुछ है नहीं तो माइनस नहीं करना है। आगे 3000 या 2500 सर जी, 3000 जो ज्यादा है वो, यह आपका एनालिटिकल टेबल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, यह बन गया क्वेश्चन आपका। चलिए जर्नल करते, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे जर्नल एंट्री के तरफ चलते हैं, बोलेगा सर जर्नल एंट्री कितना करना पड़ेगा इसमें? देखिए यार हर साल का अलग जर्नल एंट्री होगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि हर किसी में अलग अलग केसेस है, अलग अलग अमाउंट है, तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए और फिफ्थ ईयर के लिए, 5ों साल के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। पहले बात करें फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का जर्नल हम लोग करते हैं, क्लियर। केस कौन सा है फर्स्ट ईयर में, देखिए रॉयल्टी अमाउंट इज लेस देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है, शॉर्ट वर्किंग वाला केस है, तब जर्नल एंट्री क्या होगा, ध्यान दीजिए। पहला, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट अ टू
लैंड लॉर्ड अकाउंट, क्लियर। नरेशन क्या जाएगा, बींग रॉयल्टी अमाउंट ड्यू, पहला एंट्री, क्लियर। फर्स्ट एंट्री आपका यह होगा, और इसमें अमाउंट क्या क्या जाएगा ध्यान दीजिए। देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट में रॉयल्टी वाला अमाउंट जाएगा, तो रॉयल्टी यहां पे 1500 आया है, तो रॉयल्टी वाला अमाउंट जाएगा 1500। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग कितना का हुआ था सर, शॉर्ट वर्किंग 1000 का हुआ था, 1000 लिख देंगे। और टू लैंडलॉट, लैंडलॉट में टोटल अमाउंट 2500, देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं। दूसरा एंट्री, सेकेंड एंट्री, लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, यहां पे 2500 और 2500 पूरा चला गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। नरेशन क्या जाएगा, बिंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, क्लियर। यह दो एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री के बारे में बात करें बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू रॉयल्टी अकाउंट, नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल, क्लियर। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल, और रॉयल्टी का अमाउंट कितना था 1500, तो 1500 और अमाउंट में 1500 लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है वैसे एकदम प्रॉपर लिखिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब जरा लिखे के ना माने तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, कीजिए। अब सुनिए एक बात और, ये नहीं बोल रहे कि बस इतना सही हो गया, कौन सा ईयर लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर फिफ्थ ईयर, दसों साल रहेगा तो करे पड़ेगा बुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर हो गया, चलिए सेकेंड ईयर में चलते हैं। और सेकेंड ईयर का क्या केस था, देखिए इधर सेकेंड ईयर वाला में रॉयल्टी अमाउंट इज मोर देन मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग वाला केस है। थर्ड ईयर में भी एक्सेस वर्किंग है, फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग, और फिफ्थ ईयर में एक्सेस वर्किंग है। तो पहले हम लोग यहां पे कर लेते हैं सेकेंड ईयर का एंट्री, ध्यान दीजिए। सेकेंड ईयर फर्स्ट एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, नरेशन बीइंग रॉयल्टी अमाउंट ड्यू, अमाउंट में यहां पे जाएगा आपका कितना था, देखिए इधर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड वाले में 2750, 2750 इन डालेंगे, ठीक है। टू सेवन फाइव जीरो और 2750, किसी को कोई दिक्कत नहीं, पहला एंट्री। दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू एस डब्ल्यू आर शॉर्ट वर्किंग रिकुप्टेड अकाउंट, नरेशन बिंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड एस डब्ल्यू आर शॉर्ट वर्किंग रिकुप्टेड, क्या क्या काम किए। लैंडलॉर्ड को टोटल हम लोग अकाउंट में 2750, जिसमें से उसको पेड अभी कितना किए 2500, और शॉर्ट वर्किंग मैनेज कितना किए थे 2500 किए थे ना, यह देखिए आप यहाँ पे 2500 को एस डब्ल्यू आर किए थे, और अमाउंट कितना पेड किए थे 2500 हो गया। अब आगे नेक्स्ट थर्ड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी का अमाउंट जो रहेगा 2750
2750। नरेशन में क्या लिख देंगे, बींग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल। क्लियर, यह आपका थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं। अब सुनिए बच्चे, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, बोलेगा सर तो हो गया ना, नहीं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जहां तक का ईयर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, पूरा जर्नल आपको बनाना ही होगा। आप सोच रहे हैं 2 साल का एंट्री करके छोड़ देंगे, लड्डू मिल जाएगा, जीरो, जितना साल का दिया है पूरा आपको एंट्री करना है। तो यहां पे हो गया आपका सेकेंड ईयर का, चलिए थर्ड ईयर का करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यहां देखिएगा थर्ड ईयर वाले में, हमारा थर्ड ईयर का अमाउंट पहले देखिए, थोड़ा समझिएगा, 3750 का हुआ था यहाँ पे थर्ड ईयर में आपका रॉयल्टी। लैंडलॉर्ड को 3000 पेड किए हैं और शॉर्ट वर्किंग में मैनेज किए 750, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमाउंट माइंड में एकदम याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो किए तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड एक्सेस वर्किंग का ही सेम केस था, 3750 हो गया। दूसरा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम क्या बोले, बैंक में उसको लैंडलॉर्ड को कितना पेड किए 3000 का, तो वो अमाउंट लिखे, और शॉर्ट वर्किंग में मैनेज किए 750, वा लिख दिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग रिकॉप्टेड, यह अमाउंट हो गया। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी का अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 3750, 3750 जो रॉयल्टी का अमाउंट था, यह भी आपका केस कंप्लीट हो गया, यह भी केस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए फोर्थ ईयर की एंट्री में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, फोर्थ ईयर वाले जर्नल में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फोर्थ ईयर में भी आपका शॉर्ट वर्किंग था, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए चौथे साल में भी 250 का शॉर्ट वर्किंग हो गया था, लेकिन हम लोग का रिकुपरेट टाइम 3 साल तक ही था, तो चौथा साल वाला शॉर्ट वर्किंग हुआ वह अनरिकुप्टेड में चला, क्योंकि रिकुप्ड करने का टाइम इसका खत्म हो गया था, ठीक है। अब हम लोग ने इसका एंट्री किया तो रॉयल्टी 2250 है और शॉर्ट वर्किंग है आपका 250 का, शॉर्ट वर्किंग कितना का है 250 का। अब एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी वाले में आपका 2250, 2250 शॉर्ट वर्किंग, और टोटल लैंडलॉर्ड को 2500। यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 और 2500, शॉर्ट वर्किंग तो कुछ मैनेज यहाँ हुआ नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब तक हम लोग सिर्फ वह अमाउंट रॉयल्टी वाले अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अनरिकुप्टेड शॉर्ट वर्किंग वाले अमाउंट को भी ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे टू रॉयल्टी अकाउंट 2250 और टू अनरिकुप्टेड शॉर्ट वर्किंग 250, टोटल 2500 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ईयर आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या फोर्थ ईयर में, एक खास बात सर जी, जो अनरिकुप्टेड शॉर्ट वर्किंग रहेगा हम लोग उसको भी ट्रांसफर कर देंगे, जो अनरिकुप्टेड शॉर्ट वर्किंग रहेगा हम लोग उसको भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब आगे चलिए, ध्यान दीजिए बच्चे, हम यहाँ पे फिफ्थ ईयर का एंट्री करते हैं। हाँ बच्चे, 5वां साल में देखिएगा 2014 में आपका एक्सेस वर्किंग हुआ है 500 का, हुआ है ना यहाँ पे, तो अब इसका भी एंट्री करेंगे एक्सेस वर्किंग वाले का। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 3000 का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे 3000 का, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 3000 का। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकुप्टेड नहीं था और ना ही आपका अनरिकुप्टेड शॉर्ट वर्किंग था, तो यह सिंपल एंट्री इसी तरीके से होगा, ठीक है। आज के क्लास में ना बच्चे जर्नल तक आपका कंप्लीट कर दिए, राइट डाउन कर लीजिए प्रॉपरली, नेक्स्ट क्लास का जो क्वेश्चन बताएंगे ना लेजर भी बताएंगे, एक एक टॉपिक पूरा एकदम कंप्लीट, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, और लग रहा हो कि समझ में आया टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो सब्सक्राइब करके जो शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक, ठीक है, बाय, सी यू।